दो बार कहा एक बार लिखा बराबर माना जाता है, और अब क्वालिफिकेशन की दरकार पे कहा सुनी नहीं, सिर्फ लिखित में काम चलेगा। कैलिकट हीरोज बनाम बेंगलुरु टॉर्पिडोज मैच नंबर 23 रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 में। कुछ समय पहले जब ये सिक्का हवा में उछला, दोनों कप्तान एक तरफ आपको बेंगलुरु के लिए पंकज शर्मा, दूसरी तरफ जेट जिनोम नजर आ रहे हैं कैलिकट के लिए, तो कैलिकट की टीम ने टॉस जीता है और उन्होंने रिसीव करने का फैसला किया। बेंगलुरु टॉर्पिडोज के लिए लामोनिया सेटर की भूमिका निभा रहे हैं और अब तक बहुत अच्छा काम इस खिलाड़ी ने किया है पंकज शर्मा। पॉइंट्स के बीच में आपको नजर आएंगे 37 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट निकाले ना निकाले लेकिन टीम को सही तरीके से चलाया है। फिर सुपर सर्व से तू को कैसे भूल सकते हैं, 13 पॉइंट है इस खिलाड़ी के सर्विस करते हुए। तो वहीं कैलिकट हीरोज के खेमे में पराटो, कुछ कमाल के स्पाइक्स इनके पास है। डैनियल ने मिडिल ब्लॉकर पे अच्छा कार्य किया है, हालांकि कभी कभी ये स्विच ऑफ होते हुए नजर आते हैं। चिराग यादव अपनी टीम के लिए आउटसाइड हिटर की पोजीशन के ऊपर रहने वाले हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले खिलाड़ी यदि कोई है तो वो टीम का कप्तान है जेट जिरोम। तो बेंगलुरु टॉर्पिडोज और कैलिकट हीरोज हैं आमने सामने, जद्दोजहद जारी है। सुपर फाइव में 6 टीम में से केवल 5 एंट्री कर सकती है और शुरुआत हुई है इंडियन ऑयल सुपर सर्व के साथ। हीरोज हुए हक्का बक्का। इंडियन ऑयल सुपर सर्व को पेटेंट करा देना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। सुपर सर्व सेतु शुरुआत में ही अपने सर्कस से वो तीर निकाला जिसने दिल पे ऐसा घाव किया होगा कैलिकट हीरोज के कि बुलाए नहीं भूलेगा। देखा देखा ये किसी से कम नहीं, चिराग की सर्व में आग। धीमी सर्व या तेज सर्व, धीमी सर्व। लामोनिया पंकज एक बार फिर से, बॉल चली गई हवा में, ओकरा पांड्यन ने शॉट सेट किया। विकास मान, माफ कीजिएगा शफीक, शफीक आ जाए हैं और शफीक ने पॉइंट जीता है। आज एकमात्र परिवर्तन किया था। Thomas the tank engine helped install. Perotto! Perotto ka paratha itna swadisht ki point ka swad mila Calicut Heroes ko. Midon apni dhun nahi pakad paaye. Bengaluru Torpedoes. Front court mein abhi Setu aur Lamunier maujood. Rajan Shetty ke saath Midhun ka dig. Advantage kya Bengaluru ke paas hai? Bilkul hai! Setu ne ki safai. 6-6 की बराबरी। सेलिब्रेशन लामोनिया ने वहां से किया जहां सही में डिजर्विंग था। तेज तरार सब बाहर गई, बाहर गई, ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन जब हम जाएंगे अमूल कूल टेक्निकल टाइम आउट के लिए जो अभी है, मुक्रा सेतु और फिर मुजीब ने टिप करने की कोशिश की थी, चिराग की ओर गई है, ब्लॉक आया है, पेरोटो का डिग गया सीधा कैमरा की ओर। उखरा क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगा जैसे कि चिराग यादव से पहले इन तीन ब्लॉकर्स को पता चल चुका था कि अटैकर जो रहने वाला है वो चिराग यादव है। दोबारा से देखिए, जब उखरा ने सेट किया फ्रंट कोर्ट पे मौजूद थे चिराग। ट्रिपल एस आ गए हैं वापस, ट्रिपल एस ने एक बार फिर से इंडियन ऑयल सुपर सर्व दाग दिया है। बेंगलुरु टॉर्पिडोज में अव्वल टॉर्पिडो कौन? एसबीआई सुपर पॉइंट का दाव पेच के लिए सही समय पे खेला है क्योंकि चिराग यादव सबसे ताकतवर सर्वर है, उनको न्यूट्रलाइज करने की ताक में एसबीआई सुपर पॉइंट बेंगलुरु टॉर्पिडोज की ओर से। लामोनियर नेट पे टकरा दी लेकिन मुजीब ने मुजीब ने चांस लिया था लेकिन टॉर्पिडोज जांच नहीं कर पाए। लामोनिया इसी बीच हेप्टन स्टॉल टच मिल गया था इसलिए मजबूरन चिराग को भी वहां डिग करना पड़ा। पेरोटो बेंगलुरु टॉर्पिडोज को मिल गया है पॉइंट एक और बार। हेप्टन स्टॉल इस बार थोड़ी ज्यादा ही दम दिखा दी, इससे ज्यादा दूर गेंद जाती हुई हमने अब तक किसी भी मुकाबले में अतीश देखी नहीं है।
धीमी सर्व इस बार पंकज, कंफ्यूजन थी लैमोनियर, उखरा को वापस भेजना पड़ेगा पंकज, लैमोनियर, पंकज चिराग का डेक, उखरा, अश्विन राज ब्लॉक आया, उखरा एक बार फिर से, इस बार चिराग पाइप अटैक, बाहर मारी है, नहीं नहीं टच आउट आया है और कैलिकट हीरोज ने सेटअप में नाम कर दिया, रेड हॉट फॉर्म में हीरोज, कमाल का ये पहला सेट, कमाल का, लाजवाब था ये सेट। पहले सेट की समाप्ति के बाद 16-14 से कैलिकट हीरोज आगे हैं, क्या बेंगलुरु कर पाएगी वापसी? बहरहाल दूसरे सेट की शुरुआत, उखरा पंडित करते हुए सेतु की स्पाइक और ये आया ब्लॉक पहला हीरोज द्वारा इस पूरे मुकाबले में चिराग यादव के जरिए। चिराग ने रिसीव की मोइटस एडी ब्लॉक, मुजीब तो लैमोनियर तो पंकज, धीमी गति से चिराग, पामिंग कॉल आया है, डबल टच आया है। पहली बार हमने ऐसा देखा कि अटैक करने के लिए आउटसाइड हिटर, ऑपोजिट हिटर और पाइप अटैक का खिलाड़ी तीनों दौड़े, कंफ्यूजन उनके बीच में भी था। इस बार फिर से हेप्टन स्टॉल लंबी मार गए, माफी मांगते हुए अपने साथियों से। पंकज, लैमोनियर ने फिर से पंकज को ही खिलाया है, इस बार पंकज ने कोई गलती नहीं की, इस बार सेट बेहतर था तो पंकज ने भी बोला ये है प्रहार करने का मौका। फिलहाल पॉइंट मिला है चिराग यादव की ओर से, नहीं देखिए बाइक पे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बाइक पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। पॉइंट है मगर ये इंडियन ऑयल सुपर सर्व नहीं है, बहुत करीब था आतिश ये। जी हाँ ये एक पॉइंट है। बेस लाइन पर अश्विन राज आए पेरोटो की जगह फ्रंट कोर्ट पे, मिथुन का डेक, लैमोनियर, पंकज ब्लॉक, प्रिंस ऑफ पर्शिया की ओर से, जिस वजह से इनका चयन किया गया है टीम में वो काम कर दिखाया। पॉइंट का पैडल दिख गया, ये औपचारिक तौर पे अब मांग है बेंगलुरु की टीम की, 11 के बाद आप वैसे भी कॉल नहीं कर सकते, तो क्या सब्स्टिट्यूशन को मना कर रहे हैं? जी हाँ अब विवाद हो रहा है, डैनियल मोइटस एडी टेक्निकली इसलिए तो इतने निराश है क्योंकि डेविड ली कहते हुए अगर आप मुझे रोक रहे होते मैं मना कर देता सब्स्टिट्यूशन, आपने कैसे अलाउ कर दिया ये सब्स्टिट्यूशन, मैंने तो पैडल पहले उठाया था। बिल्कुल जायज उनका विवाद यहाँ पर। SBI सुपर पॉइंट है, प्रवीण की सर्व हो जाएगी जब डैनियल की सर्व होनी थी। मिथुन तेज सर्व की पंकज ने बचाया, सेतु वापस भेजेंगे, उखरा, SBI सुपर पॉइंट जाएगा कैलिकट हीरोज की ओर और फिर से चोरी कर लिया SBI सुपर पॉइंट हीरोज ने। अब ये राज क्या था ये तो शायद वक्त ही बताए, लेकिन जो हमें नजर आया वो ये कि प्रवीण और उनका लेफ्ट सर्व या पॉइंट दिलाने वाला निकला। चिराग, उखरा, अश्विन राज फिर से दफनाई बॉल, शफीक, पंकज, लैमोनिया, सेतु, ट्रिपल एस ने तीर दागा, सेट पॉइंट बचाया। लैमोनियर, मोइटस एडी दहाड़ेंगे, सेतु की सर्व टकराई चिराग यादव, सेतु का ही डिग आया, ये है सेट पॉइंट के दर्जे का पॉइंट। पंकज, कमाल का डिफेंस दोनों ओर से दिखा है और ब्लॉक आया है बेंगलुरु की ओर से, देवाड़ी दहाड़, मिल गया प्रहार, मिल गया सेट, ये होता है वॉलीबॉल। एक एक से सेट को बराबरी पे लेकर आ चुके हैं, पहला गवाया था बेंगलुरु ने 14-16 से, लेकिन दूसरे में 19-17 से कमाल की वापसी की।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब लॉबी एक टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। ट्रिपल एस की ओर से इसी बीच एक एस, मुजीब नेट टच हुआ जरूर लेकिन फिर भी रैली अभी भी सजीव। जट रोम का तमाचा, दूसरी दुनिया में गई गेंद, लामोनियर उसे वापस रिसीव करेंगे और फिर आखिरी टच जरूर आया हैप्टन स्टॉल का लेकिन रैली अभी भी सजीव है। जेट जिरोम क्रॉस कोर्ट, लामोनियर भूल जाइए कि इसे रिसीव किया जा सकता है। सपने में भी कभी ऐसा करने का मौका मिले तो याद रखिए नींद छोड़ के जागना मंजूर कीजिएगा। बेसलाइन पर ओ बाहर मार दी, डाउन द लाइन जाना चाह रहे थे पेरोटो की बाई ओर। चिराग इसी बीच कोई गलती नहीं की, मोइटा जेडी ओवरहेड सेट में गुंजाइश रह गई थी, एडवांटेज बेंगलुरु और एडवांटेज को बुनाया। किसने बुनाया? उसी खिलाड़ी ने जो तीन लगातार अटैकिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब ट्रिपल एस, ये कौन सी कोडिंग है जिसको पहचान नहीं पा रही है कैलिकट की टीम। चिराग कैसा रिसेप्शन इनके सामने, मिडन ने रिसेप्शन में ज्यादा गलतियां की नहीं है, फास्ट एड करना पड़ेगा पंकज के लिए। पंकज ने गेंद को दे मारा बहुत बाहर। क्योंकि स्पोर्ट का खेल कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंसी की बात होती है। इसी बीच डंप में पॉइंट मिला है टॉर्पीडोज को, उसका संकेत दे दिया है मुल्ला इलियास शमीम ने। जेट जेरोम की सर्व अश्विन राज फ्रंट कोर्ट में। जेट जेरोम एसबीआई सुपर पॉइंट, लामोनिया से तो मिल गया एसबीआई सुपर पॉइंट क्योंकि नेट टच कर बैठे थे शफीक। दो पॉइंट मिले डेविड ली की टीम को, फासला महज एक का और ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है। एक और सेट पॉइंट इसी बीच कैलिकट हीरोज के लिए और इस बार सेट मिल चुका है औपचारिक 15 के अंदर अंदर। क्या मुकाबला चल रहा है हीरोज और टॉर्पीडोज के बीच। चार पॉइंट लगातार लेने की वजह से ही कैलिकट हीरोज ने तख्ता पलट करने में कामयाबी हासिल की, 2-1 की बढ़त भी उन्होंने अपने नाम की। फिलहाल सेतु आया ब्लॉक चिराग यादव द्वारा, क्रिकेट के लिबरो को लगातार शिकार बनाते हुए नजर आए ये सेतु। एक बार फिर से मुकेश की ओर ही, पर बेहतर रिसेप्शन मुकेश का, सेतु ने किया डेक तो लामोनियर ने किया सेट आइवन जॉस के लिए। दूसरी बार लगातार आइवन जॉस का जोश, मुजीब इसी बीच मुकेश उकरा जेरो, पेरोटो की रिसेप्शन है, चिराग यादव ने सीधा नेट में टकरा दी है। तोहफा, इतने बड़े समय पर तोहफा। पंकज का रिसेप्शन, लामोनियर, मुजीब का मास्टर क्लास। भाई ऐसा लगा उस शॉट को देख के जैसे ग्रेविटी बदल चुकी हो। फिर से रिसेप्शन एरर, आइवन जोस ने सीधा दाग दिया जेट जेरोम के दिल में, ये लगी गोली। चिराग इसी बीच लामोनियर, आइवन जॉस धीमी गति से बनाया है डोसा जेट जेरोम ने लेकिन शटर डाउन किया एमसी मुजीब ने। एक बार फिर से घर बसा सकते उधर पर। फोर टच फाउल किधर आया है, किसका आया है, किसको दिया? कैलिकट को पॉइंट मिला है इसलिए अब डेविड ली ने बड़ा रिस्क लिया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड।
ये है एसबीआई सुपर पॉइंट, बढ़त बनाने की ताक में, वरना कैलिकट के नाम बढ़त आ जाएगी। दो पॉइंट दाव पर एमसी मुझे पहली बार प्लान के मुताबिक एसबीआई सुपर पॉइंट दो पीडोस को मिलता हुआ बना तीन पॉइंट का फासला। आमतौर पे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, क्या यहाँ पर सुपर पॉइंट को सुपर पॉइंट काट पाएगा एसबीआई सुपर पॉइंट कैलिकट हीरोज की ओर से। लैमूनिया सांबा सेटर ने किया एडिक, तो पंकज ने किया सेट, सेतु चिराग यादव उकराने अश्विन राज सेट जीता बेंगलुरु टॉर्पीडो ने लगातार दो एसबीआई सुपर पॉइंट के जरिए। अब मुकाबले में मसाला और तीखा बन चुका है ये दाल। दो सेट दोनों टीम के पास, दो रैलीज, चार पॉइंट का उलटफेर। बेंगलुरु की टीम ने दो बैक टू बैक एसबीआई सुपर पॉइंट जीत के न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि सजीव रखा है अपने आप को इस मुकाबले में और सुनिश्चित किया कि कैलिकट की टीम पहली बार पांच सेटर मुकाबला खेलती आपको नजर आएगी। सुपर सर्व सेतु आखिरी निर्णायक सेट की पहली सर्व के साथ, जेट जेरोम का ये वार टिक किया है आइवन जॉस ने, दिशाहीन, ये क्या किया आपने आइवन जॉस, ये क्या किया। चिराग यादव है, उन्होंने नकार दिया और इसीलिए रिव्यू नहीं लिया गया। बहरहाल मुजीब का ये सब जजरों की ये ताकत इन करार दिया गया है, क्रॉस कोर्ट गए लामोनियर के सामने वो पॉइंट चुराया, इंडियन ऑयल सुपर सर्व, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आंखें मत हटाइए, लामोनिया जाउस में मौजूद, मुकेश उकरा पेरोटो ब्लॉक, जिष्णु आउट ऑफ सिलेबस आए हैं आज, जिष्णु श्रजन की जगह नाइस वन। अब जेट जेरोम, ठीक है जेरोम ब्लॉक आया, मिथुन लामोनिया सेतु कमाल कर दिया सेतु ने, सेटर में बदलाव है, आए हैं अमन कुमार आइवन जोस मुकेश, एसबीआई सुपर पॉइंट है चिराग यादव की ओर से, एसबीआई सुपर पॉइंट मिलेगा कैलिकट हीरोज को, फासला कम। क्या कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है, क्या उम्मीदों में किशोर कुमार और शैलन रामदू जी रहे हैं। अश्विन राज की सर्व, मिथुन लामोनिया सेतु, बेंगलुरु बने बादशाह इस मैदान में जंग में ट्रिपल एस की वजह से, इस सीजन इतिहास रचा, सबसे ज्यादा पॉइंट दागे हैं एक ही मुकाबले में सुपर सर्व सेतु ने, कुल मिलाकर 20 और उसके बलबूते पर बेंगलुरु टॉर्पीडो ने जीता कमाल का ये मुकाबला। और क्या क्षण ढूंढा था सबसे ज्यादा पॉइंट दागने के लिए, 2-2 की बराबरी से आखिरी पायदान पे पहुंचा था, जिस सेट को 15-11 से बेंगलुरु ने जीत के ये सेट भी जीता, ये मैच भी जीता।